वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.2 9th आर्ट्स ग्रुप की एक्सरसाइज है। यहाँ पे ये ज्यादातर उबार, इसके ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो अबारती क्वेश्चन है, यानी स्टेटमेंट्स वाले सवाल होंगे। इनमें आपको पहले स्टेटमेंट्स को समझना होगा कि आया स्टेटमेंट्स के अंदर क्या चीज पूछी गई है, यानी क्या सवाल पूछा गया है, उसको सबसे पहले आपको समझने की जरूरत होती है क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो अगर आपको पहली एक्सरसाइज याद हो फीसद वाला, क्योंकि इसमें हम हल कर रहे हैं, तो फीसद को हल करने के लिए आपको पता है 100 होता है, या फिर 100 से डिवाइड किया जाता है, या फिर 100 को जो है वो फीसद में तब्दील कर दिया जाता है, यानी 1/100 जो है वो बराबर होता है। इसको जब कन्वर्ट करना चाहे तो ये आपका फीसद में होगा, यानी 1/100 फीसद होगा, या फिर समटाइम इसको जरब दी जाती है तो उसके लिए 100/100 होता है। यानी क्वेश्चन पर ये चीज डिपेंड कर रही होती है कि आपको फीसद को क्या करना है, या फिर तकसीम करके, या फिर एक दफा जरब और एक दफा तकसीम करके। यानी सारे क्वेश्चंस आपने पहले भी सीखे हैं कि इनको 100 को आपने जो है वो 100 को जो है आपको 100 का जो हिंसा है या फीसद जो है वो इनको आपको सवाल की मुनासबत से इस्तेमाल करना होता है। तो इन क्वेश्चन में भी ये है कि आप यही वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी इस सवालों में 100 का बहुत यूज है, साथ में इस फीसद का। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत होती है कि आया क्वेश्चन में पूछा क्या गया, यानी आपको जो अबारत या स्टेटमेंट दी होती है उसको पहले समझने की जरूरत होती है। आप जब सुन रहे होते हैं आप अपनी बुक और नोटबुक साथ रखा करें, साथ साथ समझने की कोशिश किया करें, और बुक को रेफरेंस के तौर पर भी साथ रखें। अगर यहाँ पे मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ूं कि अगर एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62 यानी 62% जीते, जबकि 26% जो है वो बराबर रहे, यानी ड्रा रहे, यानी बराबर रहे हार जीत का, यानी कोई टीम भी जो है वो इसमें से ना जीतती है और ना ही हारती है, यानी दोनों जो है वो बराबर रहती हैं। और हॉकी टीम ने कुल कितने मैच हारे जो कि आपने फीसद में बताना है। तो यहाँ आपको सामने भी नजर आ रहा है कि जीते हुए मैच कितने हैं, जो मैंने अभी पढ़ी है स्टेटमेंट, यानी 62% जो है वो जीते हुए मैच है, यानी कितने मैच जीते हैं, और बराबर जब 26 रहे हैं तो कितने हारे ये आपने मालूम करना है। तो इसके लिए ये है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कुल कितने मैच जीते हैं। तो कुल मैच यानी जीते हुए मैच और बराबर मैच, यानी जितने भी खेले हैं इनको ऐड कर ले तो आपके पास कुल मैच बन जाते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि कितने मैच जीते और बराबर मैचों की जो आपने फीसद, ये आंसर जो आपने फीसद में देना है, जीते हुए मैच और बराबर मैच, ये जो है जितने जीते हैं इनको आपने उनकी जो तादाद है वो फीसद में बतानी है कि फीसद तादाद, यानी आपने टोटल इसका बताना है। तो वो आपके पास है 62, यानी हारे हुए तभी मालूम कर पाएंगे जब आपके पास इसके टोटल होंगे। टोटल के लिए इन दोनों को आपने, यानी जितने भी उन्होंने मैच खेले हैं वो जो है इनको जमा कर लें, 26 और इसको जो है वो आपने जमा कर लेना है, साथ में फीसद की अलामत, क्योंकि आंसर जो आपका फीसद में पूछा गया तो इसलिए फीसद की अलामत जो है वो सभी स्टेटमेंट के साथ जो है वो रहेगी। इन दोनों को जब जमा किया तो आपके पास आंसर आता है 88%, यानी 2 और 6 8 हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो हारे हुए मैच बताने, यानी आपको जितने टोटल है उसमें से हारे हुए जो मैच है वो माइनस करने से आपके पास जो आंसर आ जाएगा। अब कुल जो है वो, यहाँ पे मैंने पहले भी बात की है, इन क्वेश्चंस में 100 का बहुत अमल दखल है, यानी जहां पे तादाद नहीं दी होगी वहां पे आपने 100 जो है वो फर्ज करना होता है, यानी फर्ज करें कि टोटल मैच जो है वो 100 है, यानी सारे क्वेश्चंस में 100 को जो फर्ज किया जाता है। इन क्वेश्चंस में 100 जो है वो एक टोटल है, तो जारी बात आपने मालूम क्या चीज करनी है, हारे हुए। तो ये जारी बात है जो टोटल यानी जो कुल मैच है वो आपके पास 100 है जो कि फर्ज किया जाता है, और ये जो दोनों को मालूम करने से 88 आया है, तो इनको 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपको हारे हुए जो मैच है उनकी तादाद जो है वो पता चल जाएगी। अब टोटल जो है वो 100 है जो कि फर्ज किया जाता है, माइनस 88 है, और क्योंकि फीसद में आंसर आना चाहिए इसलिए फीसद की अलामत जो है वो आप साथ साथ लिखते जाएंगे। तो 100 में से माइनस 88 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12, यानी जो मैच हारे हैं वो कितने हैं, 12% है, 12%। और ये साथ साथ आप लिखते जाए हारे हुए मैच, ये मैं हेडलाइन छोड़ दी लेकिन आप साथ साथ जो लिखते जाए कि हारे गए मैचों की तादाद,
ہارے گئے نیچر کی تعداد. یعنی اگر اس کی اگر سمری کی جائے کوشچن کی تو یہاں پہ آپ کو ہیڈ لائنس کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. یعنی آپ کو بتایا گیا کہ دو میچز ہیں یعنی جیتے گئے اور برابر میچ ہے, لیکن ہارے ہوئے میچ کا نہیں پتا ہے. تو ان کا کیونکہ فیصد والے کوشچنس میں یہ سوال کریں تو ظاہر بات ہے فیصد کا طریقہ استعمال کیا جائے گا. تو اس سے پہلے آپ کو ان کی ٹوٹل پتا ہونے چاہیے, یعنی ہارے گئے یا جیتے گئے کتنے ہیں. یعنی ان کی جب پتا چلے گی سوری برابر میچ اور جیتے گئے میچوں جو دیے ہوئے, اگر ہارے بھی دیے ہوتے تو آپ اس کو لیتے. لیکن یہاں پہ کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ آپ نے جو ہارے ہوئے میچ ہیں ان کی تعداد بتانی ہے, تو اس سے پہلے ظاہر بات ہے جو جتنے بھی کھیلے گئے میچ ہیں چاہے وہ برابر ہیں یا پھر جیتے گئے ہیں, تو ان کو ٹوٹل کر لینا جو کہ کوشچن میں دیا ہوگا آپ کو, ان کو ٹوٹل کر لینا ہے. اور کل اس میں آپ سارے کوشچن میں 100 کو فرض کریں گے, یعنی کل تعداد جو ہوگی وہاں پہ آپ 100 فکس کریں گے, فرض کریں گے. تو 100 میں سے جو بھی تعداد ہے اس کو مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس ہارے ہوئے میچوں کی تعداد جو ہے وہ آ جائے گی. اسٹوڈنٹ ابھی کوشچن نمبر 6 ہے, چھٹا ہے. اس والے سوال کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے جو ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا ضروری ہے, عبادت جو ہے اس کو سمجھنا. ایک ترخوان جس کو کارپینٹر کہتے ہیں, یعنی فرنیچر بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ترخوان یا پھر ان کو انگلش میں کارپینٹر کہا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ کیا چیز آپ کو پوچھی گئی ہے, کیا چیز آپ کو بتائی گئی ہے اور آپ نے کیا معلوم کرنا ہے. یہ یعنی پہلے آپ کو سوال میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سوال کے لیے آپ خود کو فرض کیجئے یا پھر آس پاس یقیناً آپ بچے سنتے بھی ہوں گے گھروں میں, یعنی اکثر آپ گھروں میں سنتے بھی ہوں گے والدین کو یا پھر بڑے بہن بھائیوں کو. اکثر جمع تفریق جو ہوتی رہتی ہے گھروں میں, یعنی جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کا منافع فائدہ, یعنی منافع کو آپ فائدہ کہہ سکتے ہیں. یعنی عام انسان کے لیے ایک منافع لفظ نہیں لوگ استعمال کرتے, عام زندگی میں اس کو فائدہ کہتے ہیں. یعنی ایک طرح سے فائدہ کتنا ہوگا, میں کتنا خرچ کروں, کتنے میرے رہ جائیں گے, یعنی یہ تقسیم جو ہے. ایون آپ چھوٹے جب خود چھوٹی ایج کے تھے, ایون جب آپ خود ایک چھوٹی ایج کے بچے تھے, یعنی بچہ جو ہے وہ 3-4 سال سے ہی جمع تفریق کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی گھر میں اس کو جو پیسے ملتے ہیں 10 روپے, 5 روپے, 20 روپے, یعنی ایک گھر کی سچویشن پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. تو بچہ جب اس کی نفی اور تفریق جمع اس کی کر رہا ہوتا ہے, یعنی اس کو پتا ہوتا ہے میں اتنے خرچ کروں گا تو میرے پاس اتنے بچ جائیں گے, یا میں نہیں خرچ کرتا ہوں تو میرے پاس پیسے جو ہیں وہ جمع رہیں گے, میرا فائدہ رہے گا اگر میرے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں. تو ان کوشچنس کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہے وہ خود کو فرض کریں کہ آپ ایک کارپینٹر ہیں, ترخوان ہیں, یا پھر سمجھ لیجیے آپ ایک کنزیومر ہو, ایک صارف ہو جو کہ چیز کو خریدنے والے ہیں. یعنی کسی طرح بھی سچویشن کو آپ نے اس کو کہانی کی طرح سمجھنا ہوتا ہے. اس طرح اگر آپ انٹرسٹ سے سمجھتے ہو اور عملی زندگی میں بھی اس کو جو ہے آپ لاگو کرتے ہو, آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں, دین تب ہی آپ جو ہے اس سوال کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں یا پھر اپنے ارد گرد کی سچویشنز کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو ریاضی کو ایک طرح سے ایک دماغی مشق بھی کہا گیا, یعنی بچے کو جو ہے وہ جمع منفی غلط صحیح کی پہچان یہ سبجیکٹ جو ہے وہ کرواتا ہے. اب اس والے سوال میں اگر آپ غور کریں, ایک ترخوان ایک کارپینٹر جو ہے وہ ایک میز بناتا ہے, ٹھیک ہے جی. ظاہر بات ہے آپ میں سے بہت سارے بچے اس چیز سے اویئر ہوں گے, جانتے ہوں گے کہ ایک فرنیچر بنانے والا انسان جو ہے ترخوان, جو کہ ظاہر بات ہے میز کے علاوہ بہت ساری چیزیں بھی بناتا ہوگا, لیکن سوال میں آپ سے پوچھا گیا کہ ایک میز جب بناتا ہے تو 720 روپے اس کا جو ہے وہ خرچ آتا ہے. یعنی یہاں آپ کو سامنے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ میز بنانے پر لاگت, جس کو مزید اگر آپ اس کے ورڈ میننگ پہ جائیں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو لاگت کا مطلب ہوتا ہے اس پر جو خرچ آ رہا ہے, اس انسان کا کام کرنے والے کا, اس کا خرچ جو آ رہا ہے وہ 720 روپے ہے. یعنی اتنے وہ انسان جو ہے وہ اتنے پیسے اس کو بنانے پر لگا رہا ہے. یعنی میز آپ کو پتہ ہے بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. میز بنانے کے لیے ظاہر بات ہے لکڑی چاہیے, کیل چاہیے, اس کو نیلز وغیرہ جو ہوتے ہیں, ہتھوڑی وغیرہ, یعنی اوزار وغیرہ استعمال, جتنا بھی اس کا خرچ آ رہا ہے چیز کو بنانے کے لیے یا چیزوں کو لینے کے لیے, وہ ہے 720 روپے. اب وہ قیمت ظاہر بات ہے فروخت جب کرے گا, ظاہر بات ہے وہ 720 روپے میں نہیں کرے گا, اس کو ظاہر بات ہے اپنا منافع بھی بنانا ہے, ظاہر بات ہے گھر کے خرچ پورے کرنے کے لیے قیمت جو ہے وہ ظاہر بات ہے جو منافع کی صورت میں انسان کو حاصل ہوتی ہے, جو کہ گھر میں ظاہر بات ہے مختلف خرچات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پیسے ہر انسان کو چاہیے ہوتے ہیں. اب وہ انسان جو ہے وہ 720 روپے اس پہ پیسے لگا رہا ہے, لیکن 900
और वो इसको बेच रहे हैं, वो हजार बातें मार्केट में जो कीमत होती है उसी के हिसाब से ये प्राइजेस वगैरह जो है वो बनाई जाती है, तो 920 रुपए में वो जो है फरोख्त करेगा। अब क्योंकि अब उसका मुनाफा आपको मालूम, यानी उसको जो फायदा होगा इस चीज से वो आपने पहले मालूम करना है, यानी 720 रुपए पर उसको मुनाफा कितना होगा। इसके फार्मूला ये होता है कि आपने जो कीमतें फरोख्त है यानी जितने वो बेच रहा है ना वो 920 रुपए है, तो 720 रुपए यानी खर्च निकालने के बाद जो रकम उसके पास बचती है वो उसका मुनाफा है, उसका फायदा है। तो क्वेश्चन में ये चीज है कि खर्च बता दिया है, फिर उस मेज को जो वो बेच रहा है तो उसके बाद उसको मुनाफा कितना फीसद होगा, यानी आपको सवाल जो है वो पूछा गया है कि मुनाफा जो है वो कितने फीसद होगा, यानी आपने आंसर जो है वो फीसद में देना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज क्योंकि ये मशकें जो है वो फीसद पर फीसद के तरीके को सिखा रही हैं, तो इसलिए आपको फीसद में इसका जवाब ढूंढना है। तो फीसद में इसका मुनाफा मालूम करें कि कितने फीसद, जैसे कि 10% हुआ है, 20% हुआ है, 30% हुआ है, इन जितना भी इसका मुनाफा है वो आपने मालूम करना है, लेकिन फीसद में। पैसों में तो आपको यहाँ पे भी पता चल रहा होगा कि 920 में से 720 निकाले तो इसको कितने का मुनाफा आ रहा है, 200 रुपए का, यानी ये एक लफ्जों में हो गया, सॉरी रुपयों में हो गया, 200 रुपये इसको जो है वो मुनाफा आ रहा है, यानी आपको माइनस करके पता चल जाता है। फार्मूला आपको आपके सामने लिखा हुआ है कि मुनाफा आप कैसे मालूम करते हो, जितने में फरोख्त की है या चीज को बेचा है उसमें से अगर खर्च उसका जितना खर्च उस चीज पे आ रहा है उसको निकाल दिया जाए तो वो आपके पास जो है वो मुनाफा होता है उस इंसान का। अब यहाँ पे क्योंकि फीसद में मालूम करना है तो फीसद में मालूम करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 100 क्योंकि फर्ज किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन में पहले भी बात हुई है कि 100 जो है वो लगेगा, तो 200 उसको मुनाफा है, तो जब मुनाफा मालूम करना होगा तो यहाँ पे आएगा मुनाफा कुलिए के हिसाब से मुनाफा होगा और बट्टे में खर्च आएगा, तो खर्च कितना है 720 कुलिए के हिसाब से, आपने यानी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि मुनाफा बटे जो है वो लागत या फिर इसको खर्च कह लीजिए, यानी मुनाफा या खर्च जो भी है दोनों में से एक लफ्ज लिखना होता है, तो फर्ज करें ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि या तो लागत लिख लें या फिर खर्च लिख लें कुलिए के हिसाब से। अब क्योंकि आंसर आपका फीसद में आना चाहिए तो उसके लिए आपको पता है 100/100 करेंगे तो ऊपर आएगा 200, ठीक है, नीचे आएगा 720, यानी कुलिए के हिसाब से आप लिख रहे हैं, तो ऊपर उसकी मुनाफा और नीचे उसकी कीमत खर्च है, खर्च है उसका जितना खर्चा आया वो है 720 रुपये, तो सिर्फ 100/100 होता है, ठीक है, या फिर आप इसको शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 और साथ उसका फीसद, यानी 1/1 यहाँ पे लिखा है, 1/1 का मतलब है जी फीसद, तो 100 और फीसद हो जाएगा, तो जरूर 200 200 क्योंकि दरमियान में लामत जरब की है, तो इसका मतलब 200 को आप 100 से जरब देंगे तो आपके पास 20,000 बन जाता है, तो बटे में आएगा 200 720 है और साथ में फीसद की अलामत। अब यहाँ पे क्योंकि बटा है सिंप्लीफिकेशन हो रही है, यानी अगर कहीं पे जरब हो रही है तो जरब कर दें, कहीं पे तकसीम हो रहा है तो तकसीम को बट्टे की शक्ल में भी लिखा जाता है, यानी बट्टे में रकम लिखी हुई है तो इनको क्या करना है आपने तकसीम करना है, तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, इसी तरह भी आप कटिंग कर सकते हैं, 0 से 0 को करें फिर 2000 को 72 पर करेंगे डिवाइड तो आपके पास आंसर आएगा 27.778 और ये फीसद साथ ही चलता आएगा, यानी ये अमल करने के बाद 200 और 100 जो है वो जरूर खा के 20,000 हो जाएगा, नीचे 720 आ रहा है, तो ये डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है वो आंसर 27.78 फीसद जो है वो आंसर इसका आता है, यानी आपने क्योंकि फीसद में मालूम करना था इसलिए ये वाला फार्मूला 100/100, यानी आपको पहले ही एक्सरसाइज अगर याद हो तो फीसद को कैसे कन्वर्ट करना होता है वो आप दोबारा उसको देख सकते हैं, यानी अगर कोई यहाँ पे पॉइंट मिस हो गया हो तो आप वहां से फीसद वाला ये हिस्सा जो है वो समझ लें, देन आप ये सिर्फ जरब की लामत है, इसका मतलब आपस में जरब खाएंगी वो 720 पर तकसीम हो जाएगी और फाइनल आंसर इसका 27.78, यानी इतने फीसद जो उसको फायदा हो रहा है, यानी क्योंकि 200 रुपये में तो हमें पता चल गया कि उसका फायदा है 200 रुपये का, लेकिन क्योंकि फीसद में मालूम करना है तो ये कुलिया आपके पास पहले भी है, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपने सीखा है कि फीसद में कैसे तब्दील किया जाता है, वो ये 100/100 होता है, तो इसी को आपने जो होता है वो आगे अप्लाई करना है, यानी जब्बे हैं तो जब्बे कर दें,
तकसीम है तो तकसीम करके आप सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखना पहले तो अबारत इसकी कि हमजा अपनी कुल आमदनी में से 20% जो है वो मकान के किराए पर खर्च करता है और बकिया जो है वो 70% घरेलू अखराजात पर खर्च। अगर उसे 18 रुपए की बचत हो तो उसकी कुल आमदनी जो है वो कितनी होगी, यानी आपने जो है वो उसकी कुल आमदनी मालूम करनी, यानी कुल कितने वो महीने में जो है वो कमाता है। अब जो भी वो कमा रहा है, यानी आपने फर्ज गुजारी बात है आपको पता है 100 ही करना है, तो कुल आमदनी में से 20% जो है वो मकान पे। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन साथ सामने देख भी रहे हो तो यहाँ पे आमदनी के मकान आमदनी का मकान के किराए पर फीसद खर्च वो कितने लगा रहा है 20%, यानी वो हमें रकम में नहीं पता लेकिन ये बताया गया कि इतने फीसद जो है वो उसमें से लगा रहे हैं। तो बकिया आमदनी, क्योंकि आमदनी ही आपने मालूम करनी है उसकी, तो जारी बात है 20% अगर वो लगा रहे हैं, फर्ज हम 100 करें तो 100 में से 20 निकालें तो आप उसकी आमदनी बकिया कितनी बच जाती है, 80% बची। यानी 100 आपने जो फर्ज किया 100 में से माइनस 20 करेंगे तो आपके पास 80 आ जाता है, यानी आमदनी उसकी कितनी बनी है 80%। अब वो घरेलू अखराजात पे जारी बात है, अगर वो एक किराए के मकान पर है तो जारी बात मकान का 20% निकालने के बाद घरेलू यानी घर के अखराजात जितने भी जो के राशन वगैरह के सूट में, आई थिंक बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझते होंगे कि घरों में खर्च पर जो कि आटा नमक मिर्च सब्जी वगैरह पे जो अखराज आता है, यानी घरेलू यानी घर पर जितना भी खर्च आता है उसकी आमदनी का वो कितना फीसद, यहाँ पे ये जो जिसकी बात हो रही है इंसान की, वो 70% जो है वो खाने पर या घर पर जो अखराज आता है उन पर लगा रहा है, तो वो 70% है, जो कि जारी बात है बिल्स वगैरह और ग्रोसरी वगैरह के खर्च का 70% जो है वो आमदनी का वो वहां पे लगा रहे हैं। तो आमदनी का फीसद हिस्सा क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं कि आया वो 70% जब लगा रहा है तो बाकी कितने फीसद जो है वो बचा है, यानी आमदनी में से 20 निकालें तो वो 100 बचता है माइनस करने से। अब क्योंकि यहाँ पे आमदनी का 70% भी निकालना है तो आपने क्या करना है, ये जो 80 है 80 बचा है ना, यानी किराया निकालने के बाद कितनी बची है 80%, 80% को आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो 70 है, अगर आप सवाल को पिछली एक्सरसाइज के याद करें तो 70% को आप कैसे लिख सकते हैं, 70 ऊपर होता है और नीचे फीसद की जगह क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। 100 जो है वो 100 यानी लगाने के बाद यहाँ पे अभी कटिंग वगैरह होगी, यानी अगर आप यहाँ पे 0 को इस 0 से खत्म कर दें, इस वाले 0 को इस 0 से खत्म कर दें तो बाकी आपके पास 7 और 8 बचता है, तो 8 × 7 = 56 होता है, यानी 56 आप बच रहा है उसके पास, यानी 20% की सूट में 80% था, ठीक है। अब 80% में आपने जो 70% को हल करना होता है, यानी जब ये सवाल आप कर रहे होते हैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं, यानी 20% से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमारी अबारत में ये चीज है कि कुल आमदनी में से 20 जब मकान के खर्च पर, यानी स्टार्ट आपने जहां से स्टार्ट लेना वहीं से आगे आगे आपका सोल्यूशन जो है वो चलता जाता है, यानी 20 में से 20 को हर बात 100 फिक्स करना होता है, फर्ज करना होता है, तो 100 में से ये निकालने के बाद 80% उसके पैसे बचे आमदनी बची। अब इसी 80 पर जो है वो उसने कहा 70%, क्योंकि क्वेश्चन में है ही फीसद, तो जारी बात है आपको फीसद का अमल जो करना है, फीसद में कहा गया अगर यहाँ पे 700 होता तो आप 700 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 70% लिखा है तो जारी बात है आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। तो कुलिये के हिसाब से या फार्मूले के हिसाब से 70% को आप 70/100 लिख सकते हैं, तो 100 लिखने के बाद इसको सिंप्लीफिकेशन यानी कटिंग वगैरह होती है, यानी कट करने के बाद और तकसीम वगैरह करने के बाद आपके पास आंसर आता है 56। नेक्स्ट है कि आमदनी का मकान के किराए खर्च वगैरह, यानी अब टोटल कितना बनता है, पहले तो हमने अलग अलग से मालूम कर लिया कि भाई किराए पे इतना उसका निकल गया और घर के अखराजात पे इतना निकल गया, तो अब ये भी मालूम करना है कि आया ये दोनों का टोटल कितना बना, यानी दोनों अखराजात का कितना टोटल बना। तो वो जो आंसर आते हैं यहाँ पे आपके 20% आया और 56 आया, उसको आपने क्या कर देना, प्लस कर देना, देन आपको पता चलेगा कि उसका आमदनी का इतना खर्च जो है, यानी 76% जो है वो उसकी 76% जो है वो उसके फीसद जो है उसके अखराजात पे आ रहा है, यानी घर पे और उसके किराए पे, घर के अखराजात और किराए पर। अब नेक्स्ट है क्योंकि हमने आमदनी ही मालूम करनी है, तो फिलहाल तो फीसद जो कि फर्ज किया गया 100 है, तो अब जो इसकी टोटल कुल जो है वो 76 है,
तो 100 क्योंकि फिक्स फर्ज किया जाता है, तो 100 में से आपने क्या करना है। तो अब क्योंकि 100 हम फर्ज कर रहे हैं तो वो 100 है, 100 में से उसकी जो कुल जो है वो निकाल दे, वो 76 आपके पास आया। यानी क्वेश्चन पे ही डिपेंड होता है, यानी 20% और 70% निकालने के बाद ये आपके पास जो है वो 24% जो है वो उसकी आमदनी, यानी उसकी बचत जो है वो खर्च वगैरह करने के बाद जो उसके पास बच रही है वो है 24%। अब क्योंकि ये परसेंट में है तो हमने इनको रकम में मालूम करना है, यानी रकम में मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो फीसद में पहले मालूम किया है क्योंकि सवाल ही आपका टोटली आपका सवाल जो है वो फीसद में ही पूछा गया कि आपने फीसद में इसका जवाब देना है। इसका आंसर जो आपने फीसद में मालूम करना होता है पहले। अब इसको नेट से फीसद में तो हमें मालूम हो चुका है कि भाई इसके 24% जो है वो, अब इसको रुपये में मालूम करना है कि रुपये में जो है वो कितने बनते हैं। उसके लिए फार्मूला ये हो गया कि आमदनी 24 पर जो है वो इसके कितने हैं, 100 जिसको फर्ज किया जाता है, यानी इन सवालों में जो है फर्ज किया जाता है कि 100 जो है वो कुल है, यानी टोटल जो है वो 100 है, 100 में से 24 जो है उसकी बचत है, यानी फर्ज करें 100 रुपया है तो 100 रुपया अगर घर के अखराजात निकालने के बाद इसके पास जो बचत होती है वो है 24 रुपये की, ये तो फर्ज किया हुआ है। लेकिन अब फर्ज किए हुए को जारी बात हमने एक्चुअल जो सही रकम है वहां पे मालूम करना है, 24 रुपये तो बचत नहीं होती, जारी बात 100 में होती है या फिर 1000 में होती है या फिर कुछ लोगों की लाखों में भी होती है। अब ये तो लोगों की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो बैक टू द क्वेश्चन कि यहाँ पे क्योंकि रुपये में मालूम करना है इसके फार्मूला ये हो गया कि अब 24 पे ये है यानी 100/24 है यानी कुल के हिसाब से, देन क्योंकि हमने 1800 उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1800 रुपये बचत पर उसकी आमदनी आपने मालूम करनी है, तो आपने यही जो रकम फर्ज है 100/24 इसके साथ इजाफा किसका होगा जो दी गई है यानी 1800। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन से मुराद यहाँ पे कटिंग वगैरह और तकसीम होगी, तो यहाँ पे 100 और 1800 को जो है वो जरूर कर दें और 24 पर तकसीम कर दें, ये भी कर लें, या फिर अगर सिंपल यहाँ पे कटिंग 2 से कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वो थोड़ी सी लेंथी आपकी प्रोसीजर हो जाएगा, यानी ज्यादा लेंथी कटिंग हो जाती है, उस चीज से बचने के लिए बेहतर है आप 100/18 को जरूर दें और 24 पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आता है जी 7500 जो है इसकी कुल बचत है, कुल आमदनी है, यानी 1800 रुपये इसकी बचत है तो कुल आमदनी उसकी कितनी है 7500 रुपये, इतने यानी वो महीने में कमा रहा है, यानी एक फर्ज की गई रकम है जो कि सवाल में पूछी गई है जो बनती है वो है 7500 रुपये, यानी इतना उसका आमदनी है, 1800 रुपये जो है वो उसकी बचत बनती है सारे अखराजात पूरे करने के बाद, यानी घर का किराया और घर में जो ग्रोसरी वगैरह का खर्च है उसको निकालने के बाद 1800 जो है वो बचत बनती है और कुल जो है वो 7500 रुपये वो कमा रहा है। और फ्रेंड्स आज के सवाल जो आपको अच्छे तरीके से समझ आई हो, और प्लीज अगर कहीं पे कमी रह गई हो या फिर कोई क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ उनकी अभारत या स्टेटमेंट्स जो है वो फर्क होंगी, तो आप जारी बात है पहले स्टेटमेंट को समझोगे देन इन सवालों को जो है वो हल करने के काबिल होंगे। तो मोस्टली यही मेथड है, यानी 100 को यहाँ पे फर्ज किया जाता है, फिर वही माइनस वगैरह होती है या फिर या परसेंट वगैरह लगा के इसको हल करना होता है, यानी जरबे देनी होती है और तकसीम करना होता है। ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही है, मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो छोड़े हैं आपके लिए, आप इन मेथड को समझिएगा, अगर कहीं पे मुश्किल आए तो प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना दूंगी। प्लीज अगर कोई बात सीखने को मिली है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो से फायदा उठा सके आगे अपनी, अगर टीचर है तो आगे कोलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा, अगर स्टूडेंट है तो आगे अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो वीडियो से फायदा उठा सके, क्वेश्चन को जो है वो समझ सके और जारी बातें रियाजी में जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।